भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस चेटीचंड पर दहली गेट झूलेलाल धाम से निकली विशाल शोभा यात्रा। पूज्य लाल साहेब मंदिर सेवा ट्रस्ट के सानिध्य में निकली शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस पर 2 अप्रैल शनिवार को चेटीचंड पर्व के मौके पर हर वर्ष की तरह 2 साल बाद इस वर्ष चेटीचंड जुलूस शोभा यात्रा दिल्ली गेट स्थित लाल साहेब मंदिर से बड़े ही धूमधाम के साथ शुरू हुई। शनिवार दोपहर 1 बजे शोभा यात्रा को दिल्ली गेट झूलेलाल धाम पर भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर विधिवत संत महंतों द्वारा धर्म ध्वजा फहराकर रवाना किया गया। शोभा यात्रा में करीब 50 झांकियां सजाई गई। झांकियों में भगवान झूलेलाल के साथ ही भगवान भोलेनाथ, राधा कृष्ण, शहीद हेमू कालानी व देशभक्ति से ओत प्रोत कई झांकियां शामिल हुई। जुलूस शोभा यात्रा में सिंधी समाज के लोगों के साथ जनप्रतिनिधि भी छेज लगाते हुए नाचते गाते झूलेलाल के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और देखिए सब खुश है, सबने नए कपड़े पहने, हर्षोल्लास के साथ हम डांस कर रहे हैं। बहू बेटी बहुए सब बहुत खुश है। थैंक यू सो मच प्रशासन के एंड हैप्पी न्यू ईयर। लोग ऐसा ही चेटीचंड बहुत ही उत्साह से मनाते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं कि इस बार हम 2 साल बाद ये उत्सव मना पाए हैं, बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर फॉर अस। हम सिंधीज बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 2 साल के बाद ये उत्सव मनाया गया है और हम हर साल ऐसे ही हमें बहुत 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 खुशियों से ये मनाया जाता है। अरे झूलेलाल का जन्मोत्सव मनाते हैं आज के दिन, 2 साल कोरोना की वजह से तो मना नहीं था। आज हमारे सिंधी भाई बहन इतने खुश हैं, इतने खुश हैं तो 2 साल के बाद चेटी का जुलूस दिख रहा है और हम सब मैंने भाई सब सिंधी आयो लाल झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल। जुलूस मार्ग पर जगह जगह शोभा यात्रा के स्वागत के लिए अल्पाहार जलपान की व्यवस्था की गई। वहीं पुष्प वर्षा के साथ जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत भी किया जा रहा था। विशाल जुलूस को देखते हुए जिला पुलिस की ओर से भी व्यापक सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। जुलूस के आगे आगे जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी व पुलिस जाब्ता साथ साथ चल रहा था। जुलूस में सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनिता बधेल, मेयर ब्रजलता हाड़ा, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, उपमहापौर नीरज जैन, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में पार्षद, जनप्रतिनिधि व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली गेट से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा महावीर सर्किल, आगरा गेट, नया बाजार, चूड़ी बाजार, गांधी भवन चौराहा, मदार गेट, क्लॉक टावर पड़ाव होते हुए गोल चक्कर पहुंची। यहां से रावण की बगीची, आशागंज, राजेंद्र स्कूल, मयानी अस्पताल, नानक का बेड़ा, डिग्गी चौक, गिदवानी मार्केट, कवंडसपुरा, नला बाजार, दरगाह बाजार, धानमंडी होते हुए रात 10 बजे गुरुद्वारे पर संपन्न हुई। विधायक वासुदेव देवनानी व जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सिंधी समाज का सबसे बड़ा वार्षिक पर्व चेटीचंड 2 साल बाद फिर से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार विशाल जुलूस में 50 से ज़्यादा झांकियाँ शामिल हुई हैं। समाज व शहरवासियों में जुलूस को लेकर काफ़ी उत्साह है और सभी लोग मिलजुल कर भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस मना रहे हैं। आज हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी की जयंती है, इसलिए हम चेटीचंड के रूप में मनाते हैं। इस दिन सारे जहाँ भी सिंधी समाज रहता है, चाहे भारतवर्ष के कोने कोने में, वो आज के दिन चेटीचंड का उत्सव मनाता है। आज अजमेर में भी हमने झूलेलाल धाम से एक विशाल शोभा यात्रा हमने निकाली है जिसमें 50 से अधिक झांकियाँ हैं। उसको लेकर के सारे जनता में उत्साह है, हर जगह बड़ा अपार जनसमूह उमड़ रहा है और वो वाह रे सिंधी वाह के नारे लगा रहा है
और उसके कारण लगता है कि आज 2 साल कोरोना के बाद जो शोभा यात्रा निकली है इसमें लोगों में उत्साह ज़्यादा है। मैं इस अवसर पर चेटी चंड की सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ अपने शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को। यह दिवस सत्य और हमारे का प्रतीक है, इसलिए हम सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भरता की बात है, जो देश के आगे बढ़ाने की बात है, हम सब लोग उसमें सहभागी बने। इस नाते मैं सबके जीवन में खुशी आए और सबके जीवन में आनंद आए, इसकी मैं कामना करता हूँ। आज चेटी चंड के ऊपर देखिए बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और आज ना संवत्सर भी है। आज हम सब इस देश को परम वैभव को पहुँचाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये पर्व है, चेटी चंड पर्व आज ना संवत्सर पर्व है। और इसके लिए हम ये चाहते हैं कि सभी विश्व के अंदर हरी सब इंसान शांति से रहे, भाईचारे से रहे, अपनत्व से रहे और ये देश परम वैभव पर पहुँचे। ये देश जो पहले विश्व गुरु था फिर विश्व गुरु बने, ऐसी कामना हम आज करते हैं चेटी चंड के पर्व में। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कोरोना से मुक्त करें और कोरोना से मुक्त करें, सभी सभी कष्टों से मुक्त करें और ये हमारा देश परम वैभव पर पहुँचे, खुशहाल राष्ट्र बने, यही झूलेलाल जी की जयंती है। और आज के दिन विक्रम संवत नव वर्ष चैत्र नवरात्रा की स्थापना भी है, चैत्र प्रतिपदा भी है आज। तो ये बहुत सारे उत्सव मिलकर के एक बहुत बड़ा महाउत्सव मनाते हैं। अजमेर विशेष रूप से चेटीचंड के जुलूस के रूप में जाना जाता है, जहाँ इतना बड़ा विशाल जुलूस यहाँ निकलता है। तो भगवान झूले लाल जी की चेटीचंड के पर्व पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना, चैत्र नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और साथ ही साथ में ऋतु परिवर्तन का भी ये मौसम है, ये पर्व है, तो ऐसे ऋतु परिवर्तन के पर्व पर भी बहुत बहुत मेरी ओर से लख लख करोड़ करोड़ बधाई, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये सिंधी समाज का जो त्यौहार है बहुत बड़ा त्यौहार है और मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ। और आज के दिन नव संवत्सर भी रहता है और अपने आज नवरात्रों की भी स्थापना हुई है और आज जो अपने भगवान राम थे उनका राज्य अभिषेक भी हुआ था। तो आज के दिन मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ सभी त्योहारों को। 2 साल बाद कोरोना का जो हमने बड़ा दुख का और एक जो अच्छा खराब पीरियड देखा, उसके बाद ये पहली बार खुशियों की एक सौगात अजमेर शहर को मिल रही है और अजमेर शहर बहुत उत्साहित है और बहुत नालायक है पूरे जुलूस का स्वागत करने के लिए और नववर्ष का स्वागत करने के लिए। आज नए साल चेटी चंड और नव वर्ष के उपलक्ष पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जो उत्सव देख रहे हैं आप जड़ जंड को लेकर के, यह पूरे देश में अजमेर में एकमात्र जैसे मेला है सिंधियों का जो जो उत्साह से बढ़ता है। मैं इस अवसर पर सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे मुल्क के लिए अमन शांति की दुआ करता हूँ। सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। चेटी चंड का उत्सव मनाया जाता है, भगवान झूलेलाल की जयंती आज है और अजमेर का समाज, सिंधी समाज और सर्व समाज इसको बड़े उत्साह और पूरे जोश उमंग के साथ मनाते हैं। और यहाँ का जुलूस विश्व प्रसिद्ध जुलूस है चेटी चंड पर, जो हमारे सिंधी समाज जो जुलूस निकालता है उसमें प्रतिभागी होने का, सहभागी होने का पुण्य हमको प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबके माध्यम से पूरे अजमेर वासियों को, प्रदेश वासियों को झूलेलाल जयंती की, चेटी चंड की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्साह को, त्यौहार को जिस तरह से मनाते हैं, एक उत्साह के रूप में मनाते हैं और जो जुलूस निकालते हैं मुख्य शहर के मार्गों में जाता है और सभी पूरा शहर इस जुलूस का स्वागत करता है। मैं आज अमन चैन की दुआ करता हूं। झूलेलाल जी ने जिस प्रकार से समाज के हित में कार्य किए, उसी प्रकार से मैं चाहूँगा हम सब लोग मिलकर हित में कार्य करें और उसी उनके मार्गदर्शन में चलें, यही आज के दिन कहना चाहूँगा। सभी को चेटी चंड की ढेर सारी, प्रदेश के और जिले के वासियों को बधाई हो, धन्यवाद।